सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो व्यूअर्स, साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो मैंने जो डाला था वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेमिंग स्टाइल पे था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेमिंग कन्वेंशन पे था। वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियो देख लें, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी कि कैसे क्लास का नाम लिखना है, कैसे मेथड का नाम लिखना है। क्योंकि जावा जो नेमिंग स्टाइल यूज़ करता है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेमिंग स्टाइल यूज़ करता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जावा के अंदर जो मेन फंक्शन हम लोग लिखते हैं वो भी सी प्लस प्लस के तरह ऐसे सिंपल वे में नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका क्लास के अंदर होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब जैसे मान लिया कि मैं एक बहुत सिंपल एडिटर इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं विंडोज़ में हूँ, मैंने विंडोज़ आर दबाया, पहला स्टेप मैंने विंडोज़ की के साथ आर दबाया, आपको बहुत सारा एडिटर मिल जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ, रन खुला। देखिए, एडिटर पे काम करने से प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपको बहुत सारा हिंट मिल जाता है, तो आप नेमिंग कन्वेंशन जो है उस पर आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपका बेसिक ही कमज़ोर हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल डॉस के एडिटर से कोडिंग लिखेंगे, वहीं से एग्जीक्यूट कराएंगे। बहुत ज़्यादा करेंगे तो नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जैसे मैंने ऐसा लिखा, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आया, वहाँ मैंने राइट क्लिक किया CMD और उसके बाद क्लिक किया ओके बटन को। जैसे ही ओके बटन को क्लिक किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसा लिखा हुआ आया। यहाँ मैंने CD और ये सिंबल डाल दिया, इंटर, तो आप पहुँच गए बिल्कुल यहाँ। अब यहाँ के बाद आप CD JDK 1.8 किए, ऐसा मेरा मानना है कि जावा डेवलपमेंट किट का जो 8वां वर्जन है वो आपका सी ड्राइव में है। अगर कहीं और है तो आप वहाँ जाइए, उस लोकेशन पे आपको पहुँचना होगा। उसके बाद आपने लिखा, आप पहले तो अपने आप को JDK 1.8 के अंदर पाएंगे। आपने यहाँ लिखा CD बिन, तो अब आप पहुंच गए CJDK 1.8 के अंदर, बिन के अंदर। अब यहीं पर आपको लिखना है एडिट सपोज abc.java देना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करके आपने जैसे ही इंटर दबाया तो क्या हुआ, एक फाइल बन गया, एक टेक्स्ट फाइल बनेगा जिसका हेडिंग होगा, जिसका टाइटल होगा abc.java, ठीक है। चलिए, अब मैं इस abc.java पे काम कर रहा हूँ। जो खुला हुआ कहाँ है, जो खुला हुआ है डॉस के एडिटर में। अब यहाँ मैंने लिखा क्लास abc, क्लास ABC। अब ध्यान दीजिए, किसी क्लास के अंदर जब आप कोई मेथड बनाते हैं तो वो मेथड, उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हाँ, अगर वो मेथड स्टैटिक मेथड है तभी और सिर्फ तभी उसको आप बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा C++ के कॉन्सेप्ट में है। तो मैं यहाँ पब्लिक लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन फंक्शन बाहर से कॉल होगा। पहली बात, पब्लिक क्यों लगा रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, स्टैटिक
ताकि ये मेरा जो मेन मेथड है वो स्टैटिक बन जाए, ताकि बिना ऑब्जेक्ट बने हुए ये कॉल हो, क्योंकि यही तो एकमात्र मेरा क्लास है जिससे मैं जिसको कॉल होना है, ऑटोमेटिकली कॉल होना है। तो पब्लिक क्यों स्टैटिक, क्यों पब्लिक, ये पता चला। उसके बाद वाइड मेन, और ये यहाँ स्ट्रिंग इस कैपिटल है, सब जगह ऐसे मिलेगा आपको। आर्गुमेंट्स एक्चुअली ये है, ऐसे मिलेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है ये रटा रटाया चीज़ है कि आग से ही लिखूं। चलिए मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रिंग के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। आईएनटी ए लिख के सेमी कोलन नहीं लिखा कीजिए जावा में। जावा में किसी भी वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ना सही चीज़ नहीं है, इनिशियलाइज कर देना चाहिए। चाहे आप ज़ीरो से ही सही, लेकिन इनिशियलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे आई एन टी ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 5 लिख दिया। ये कुछ नया चीज़ नहीं है, सी सी प्लस प्लस का कोडिंग ही तो है। उसके बाद अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, प्रिंट लाइन, लाइन भी चेंज हो रहा है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ द फर्स्ट इंटीजर इज प्लस ए सेमीकोलन, ठीक है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं यहां स्लैश इन दे दूं, ठीक है। द सेकेंड इंटीजर इज, फर्क क्या होगा वो आप लोग देखेंगे। द सेकेंड इंटीजर इज प्लस बी, ठीक है। उसके बाद चलिए ये दो इंटीजर का आपने कर लिया। अब मैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर पे आ रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, अगर आपने लिखा है एडिशन इज, और गलती से यहां ऐसे ए प्लस बी लिख दिया है, तो ये कनकटनेट हो जाएगा, ये 15 के जगह 105 दे देगा। जबकि ये आप अगर इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सब्ट्रैक्शन इज प्लस, और ब्रैकेट में सिर्फ देने की गलती कर दें, बल्कि गलती क्या, ब्रैकेट में आपको देना ही है, सब्ट्रैक्शन इज नहीं, सॉरी एडिशन इज, अभी तो एडिशन ही निकाल रहे हैं, एडिशन इज, और ब्रैकेट में अगर दे दें तो ये कनकटनेट नहीं होगा, ये सही रिजल्ट देगा, ये 15 देगा, ये आपका ये क्या देगा 105 देगा, ये कमेंट लाइन है, ये क्या देगा, ये 15 देगा। देखिए अंतर समझिए, ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। उसी ढंग से अगर हम लोग लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सब्ट्रैक्शन इज प्लस ए माइनस बी, ये तो भारी मिस्टेक है, ए माइनस बी ये तो एरर देगा, आपको इसको ब्रैकेट में देना ही होगा, माइनस ऑपरेटर को आपको ब्रैकेट में देना है। इसी ढंग से अगर मैंने लिखा मल्टीप्लीकेशन इज प्लस ए गुना बी, कोई बात नहीं है, चलेगा। डिवीजन इज प्लस ए बाई बी, रिमाइंडर रिमाइंडर इज प्लस ए परसेंट बी,
और उसके बाद ये आपका एंड हो गया मेन का और ये हो गया एंड क्लास का। कमेंट लाइन बना के लिख दे रहा हूँ, एंड ऑफ मेन फंक्शन, या आप इसको मेथड भी कह सकते हैं यहाँ पे जो कि क्लास के अंदर है। और ये आपका क्या हो गया, एंड ऑफ क्लास एबीसी। अब इतना लिखने के बाद, इतना लिख लेने के बाद आपको करना क्या है, अल्ट के साथ एफ दबाना है ताकि फाइल मेनू खुल जाए। फाइल मेनू में सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ताकि फाइल आपका लिखा हुआ जो मैटर है वो सेव हो जाए। आप डॉस एडिटर में काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद फिर से आपको अल्ट के साथ एफ दबाना है ताकि फाइल मेनू खुले, वहाँ पे एग्जिट या क्विट जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप अपने आप को दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे पाएंगे ऐसे। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आप पाएंगे कि आप वापस सी के अंदर जे डी के 1.8 के अंदर बिन के अंदर है। अब आपको कंपाइल करना है तो आपको लिखना होगा जावा सी ए बी सी डॉट जावा। ऐसा क्यों, कंपाइल करने के लिए। लिख दिया आपने, उसके बाद सब कुछ सही रहेगा। अगर कहीं आपने गलती की है तो यहाँ एरर देगा, आपको उसको सुधारना है, वो बग है आपके सोर्स कोड में, उसको डीबग करना है। अगर कहीं गलती नहीं है तो कोई भी मैसेज नहीं आएगा, बस सिर्फ ऐसा आएगा आपको लिखना है जावा ए बी सी। ये काहे के लिए लिखना है, एग्जीक्यूट करने के लिए। हो गया, तो ये मैंने इस वीडियो के हिसाब से मैंने ये बताया आप लोगों को कि कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम आप बिना एडिटर के लिख सकते हैं। देखिए मार्केट में जावा का बहुत सारा एडिटर है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, नेटबिंस है, STS है वगैरह, बहुत सारे एडिटर है और लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं एडिटर का। लेकिन एक आम स्टूडेंट को एडिटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये फाइल चूँकि बनी हुई है, बार बार एडिटर में जाने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है आप abc.java लिखिए और इंटरप्रेस कर दीजिए, चूँकि ये फाइल बना हुआ है। तो आपसे पूछेगा, एक मैसेज आएगा आपसे पूछेगा कि वेब से कोई प्रोग्राम सेलेक्ट किया जाए इसको ओपन करने के लिए या आपके लोकल ही हार्ड डिस्क से। तो लोकल हार्ड डिस्क से ही सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोटपैड मिल जाएगा। तो आप नोटपैड सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट नोटपैड। तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको करना होगा, ये काम आपको ओनली फर्स्ट टाइम करना है। उसके बाद आप पाएंगे कि आप जब भी ऐसा कोई भी जावा abc.java या xyz.java आप कुछ भी लिखेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नोटपैड में खुल जाएगा। तो उससे ये होगा कि आप नोटपैड में आप उसको कोड लिखेंगे, चेंज करेंगे और अल्ट टैब से कमांड प्रॉम्प्ट पे आके बार बार कंपाइल कराएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। एक चीज़ जावा के साथ मैं बता दूं कि सोर्स कोड में जब जब आप चेंज करेंगे तब तब ये इट मस्ट बिकम टू कंपाइल, है ना। आप जब भी जावा के सोर्स कोड में चेंज करते हैं, एक सेमी कोलोन ऐड करते हैं या एक सेमी कोलोन मिटाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको कंपाइल करना होगा। कंपाइलेशन के लिए कमांड क्या, ये
ठीक है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बहुत हेवी चेंज कर देते हैं अपने सोर्स कोड में, और सोर्स कोड में बहुत हेवी चेंज करने के बाद कंपाइल नहीं करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं और आउटपुट उनको पुराना वाला ही मिलता है। परेशान है, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, आपने चेंज हेवी किया हो या बहुत छोटा सा चेंज किया हो, आप दोबारा से कंपाइल कीजिए और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जो है देख के समझ चुके होंगे अभी तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके दोस्तों में फैलाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।